हम आपके मानने वाले
ने कहा था कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। मंजर भोपाली बड़ा शायर है, तो उसने कहा था कोई भी महफूज नहीं है, फूट रहे हैं बम। जाने कब हो जाए किसी का तारारम। हम फूट रहे हैं लेकिन मदरसे वाले इस मुल्क में अमन के पैगंबर हैं, शांति के फैलाने वाले हैं। हमने मैंने तो अहमदाबाद में कहा कि हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह जैसे कोरोना वायरस को तूने इस प्यारे मुल्क से खत्म कर दिया, ए अल्लाह नफरतों के इस वायरस को भी खत्म फरमा। समझ गया, हम तो ये दुआ कर रहे हैं, हम तो मुल्क में अमन चाहते हैं, शांतता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, एकता चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं। हम तो जमीयत उलमा वाले हैं, हम तो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमानों से कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी चलो जमीयत का पैगाम भी दे देता हूँ एकता का, कि मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे मुल्क में कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो मैं राष्ट्रीय एकता पर भी काम करता हूँ, बड़े बड़े साधुओं के साथ मेरे प्रोग्राम होते हैं। अभी मेरा एक प्रोग्राम उस साधु के साथ में होगा जिसके मकतब में हजरत मोदी जी ने पढ़ाई की है, हजरत शेख ने यहां पढ़ाई की है। समझ लिया, जिस मकतब समझ रहे हैं बुनियादी तालीम, तो हजरत शेख मोदी जी जहां पर पढ़े हैं वो साधु ने मेरा प्रोग्राम करवाया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा चाहता है मुझे, मंदिर में बुलाकर मेरा स्वागत किया, वलसाड में मेरा स्वागत हुआ। ऐसे ही पुराना 550 साल पुराना जैन मंदिर है बरोड़ा में, वहां जैन मंदिर में मेरा स्वागत हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम मदरसे वाले एकता का पैगाम पूरे मुल्क में दे रहे हैं, इसलिए मदरसे कभी भी नफरतों का पैगाम अरे बोलो नहीं देते। अब जिसकी दृढ़ आंख है तो उसको दृढ़ ही नजर आएगा, तो हम क्या करें। वो आप